हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां ईडी जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला मामले में फारूक अब्दुल्ला से इस वक्त पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, पूछताछ का ये दूसरा चरण है, मामला ये पुराना है। इसके पहले भी फारूक अब्दुल्ला से इस मामले में सीबीआई चार्जशीट उन पर दायर कर चुकी है। ईडी की ये जांच 2015 में सीबीआई द्वारा कई करोड़ के घोटाले को लेकर दर्ज हुई एफआईआर पर ही आधारित है। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ के कोष में अनियमितताओं और गबन के मामले में फारूक अब्दुल्ला और तीन अन्य के खिलाफ श्रीनगर की एक अदालत में कुछ समय पहले आरोप पत्र दाखिल किए थे। इसी सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत ईडी ये पूछताछ कर रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से प्रवर्तन निदेशालय इस वक्त पूछताछ कर रहा है। ये पूछताछ श्रीनगर में हो रही है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में पैसों की गड़बड़ी का ये पुराना मामला है। इससे पहले भी ईडी फारूक अब्दुल्ला से इसी मामले में सवाल जवाब कर चुकी है। आपको याद दिला दें, जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में कथित 113 करोड़ रुपए की धांधली का यह मामला पुराना है। पहले यह जांच जम्मू कश्मीर पुलिस ने की, इसके बाद अदालत ने यह मामला सीबीआई के हवाले सौंपा। बाद में इस पूरे केस में ईडी की भी एंट्री हुई। मामला माना जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का है, इसीलिए ईडी इस पूरे मामले में दूसरे चरण की पूछताछ कर रही है फारूक अब्दुल्ला से। इस वक्त की बड़ी खबर, इससे पहले भी ईडी ने पिछले साल इसी मामले में फारूक अब्दुल्ला से सवाल जवाब किए थे। सीबीआई की जांच में यह बात भी सामने आई थी कि बीसीसीआई ने 2002 से 2012 के बीच जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए 113 करोड़ रुपए दिए, लेकिन ये फंड पूरी तरह से खर्च नहीं हुआ। इसी को लेकर अनियमितताएं पाई गई, जिस पर दूसरे चरण की पूछताछ ईडी कर रही है फारूक अब्दुल्ला से। अपडेट लेंगे ओम प्रकाश तिवारी से। ओम प्रकाश, बातचीत का, पूछताछ का ये दूसरा चरण क्यों महत्वपूर्ण? देखिए, पूछताछ का दूसरा चरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मामले में 112 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी और जिसमें से 43 करोड़ रुपए की धनराशि के गबन का आरोप लगा था। इस मामले में जो फारूक अब्दुल्ला के सहयोगी रहे थे, उन सबसे पूछताछ का चरण पूरा हो चुका है और सीबीआई इस मामले में अपना आरोप पत्र फारूक अब्दुल्ला और उनके साथियों के खिलाफ कोर्ट में पेश कर चुकी है। फारूक अब्दुल्ला से पहला चरण हो चुका था, लेकिन दूसरा चरण इसलिए महत्वपूर्ण है जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला के भाग्य का फैसला कर देगी थी कि उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जाए या इस मामले में कोई और कठोर कार्रवाई की जाए। मतलब ओम प्रकाश, आप ये कह रहे हैं कि इस चरण के बाद कोई दूसरी पूछताछ ईडी कम से कम इस मामले में फारूक अब्दुल्ला से तो नहीं करेगी, ये अंतिम पूछताछ होगी? देखिए, फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ का चरण आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन ये पूछताछ इसलिए अहम है क्योंकि ईडी को इसके बाद फैसला लेना है कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र किया जाए या कोई कड़ा फैसला दिया जाए। कड़े फैसले में अरे गिरफ्तारी भी शामिल हो सकती है, लेकिन ईडी अभी आज की पूछताछ के बाद ये निर्णय लेगी कि इस मामले में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया जाए या ना किया जाए। तो प्रकाश, हर लिहाज से पूछताछ तो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि या तो आरोप पत्र दाखिल हो सकते हैं फारूक अब्दुल्ला पर, या फिर हो सकता है कि गिरफ्तारी हो जाए। इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट होगा जानेंगे आप एबीपी न्यूज पर। तुरंत लौट रहे हैं।